सारे मुद्दे और साथ साथ देश में जो कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, राहुल गांधी जी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और बड़ा उद्देश्य था कि तमाम भ्रष्टाचार मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के नेता सबको उतरे हैं। जो भूमिका हमने 5 साल निभाई उसको लोगों को हम बताएंगे। फिर दोबारा न्यूनतम गारंटी योजना की बात करो, न्याय का नाम लिया है, ये सारी बातें भी एक मुख्य एजेंडा रहेगा कि कांग्रेस आएगी तो देश भी प्रदेश भी सब तरक्की करेगा और दूसरों का राज समाप्त। टारगेट तो हमारा जैसा जी कहा 10 की 10 सीटों का टारगेट है और निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटें पहले चाहे वो 4 का चुनाव हो चाहे वो 9 का चुनाव हो, कांग्रेस ने दोनों में 9 सीटें ली थी। आपको लगता है कि इस परिवर्तन का इस बार उससे आगे बढ़ करके कोशिश करें कि 10 की 10 सीटें अगर आने वाली सरकार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। आखिरी सवाल है, कल जो राहुल गांधी ने घोषणा की थी मिनिमम बजट का, उसी पे बीजेपी और नीति आयोग के चेयरमैन ने अटैक किया है कांग्रेस को और राहुल गांधी को, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीतने वाले कुछ भी बोलती है। हम कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? जिनको अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने नोटबंदी लगा करके पूरी अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया, खत्म कर दिया, GST गलत ढंग से लागू किया, पूरा व्यापार और व्यापारी लघु और मध्यम उद्योग है उसको खत्म करने का काम किया, करोड़ों रोजगार सृजन का काम किया। हम लोग बता रहे हैं तो कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि अब हम लोगों ने पार्टी को बनाया, एक हो गया, आगे बढ़ाने का काम किया, कांग्रेस को और चालीस दिन बाद जब हमारे यहाँ मतदान होगा, अगले 15 दिन में पूरे हिंदुस्तान में मतदान का अलग अलग चरणों में शुरुआत होगी तो लोगों मोदी जी को पता चल जाएगा कि उनके जुमले और झूठ भारी है या सच्चाई की जीत हुई है राहुल जी। थैंक यू सर।